हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी माइंड में। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कुछ इस तरह का पेंसिल को कुछ बनाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु और हमेशा की तरह क्रेजी माइंड चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पेंसिल इस तरह बनाना है तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पेंसिल ले लेना है और पेंसिल को कुछ इस तरह के थर्माकोल कटर को ले लेना है और इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे कट करके दिखा देता हूँ कि कैसे कट करना है। ध्यान से फ्रेंड्स आपको कट करना है क्योंकि ये बहुत हाथ में लगता है। तो चलिए हम जल्दी से इसे काट लेते हैं और मैं आपको काटने के बाद इस वीडियो को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने पेंसिल को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे कि फ्रेंड्स इसे कट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपर लगाना पड़ता है। तो पर मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना कॉपर लगाए कैसे आप इसे सोल्डिंग आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक चार्जर यहाँ पे ले लेना है। कुछ इस तरह का चार्जर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये कोई भी चार्जर आप ले लीजिए फ्रेंड्स, यूएसबी वाला, और उसके यूएसबी को कुछ इस तरह से कट कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, दो कॉपर को कुछ इस तरह से कट कर लेना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पेंसिल जो आपने लिया है उस पर इसे एकदम टाई करके टाइट कर देना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कुछ इस तरह से आपको नीचे कॉपर पे लेना है और कुछ इस तरह से इस पर घुमा देना है। तो मैं आपको घुमा के एक बार दिखा भी देता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने इसमें एक तो ब्लैक वाला को इतना लंबा करके इसमें बांध लिया हूँ। अब हमको क्या करना है, रेड को ऊपर लगाना है। फ्रेंड्स, आप ब्लैक को भी लगा सकते हैं पर मैं बोलता हूँ कि आपको रेड ऊपर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से इसे रेड करते हैं कि तो फ्रेंड्स मैं आपको इधर फोकस करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको बांध लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ऐसे इसे बांध चुका हूँ। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए डायरेक्टली इसे टेस्ट करने। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्लग में लगा चुका हूँ इसे। अब मैं आपको एक फ्लक्स ले लेता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी यहाँ पे आयरन एंड सोल्डिंग कितना ज्यादा वर्क कर रहा है और कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसे पिघला के भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पिघल रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे फ्लक्स एक बार भी दिखा देता हूँ। ये नाइक्रोमाइर तो आपने देख लिया पर देख सकते हैं कितना ज्यादा हो रहा है। वीडियो पसंद आई कि कैसे हम लोग आयरन एंड सोल्डिंग बना सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।